हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शाहिद और मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि मैं आज अभी घर में हूं और मेरा गाड़ी ख़राब हो गया। उसमें गाइस कुछ फ्यूज़, मतलब हर दिन फ्यूज उड़ जाता है, दो चार फ्यूज उड़ जाता है। कैसे उड़ता है वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैकेनिक के घर जाते और मम्मी को मामा के घर छोड़ते हैं और वो अभी मामा के घर जाने वाले हैं। तो चलिए उनको छोड़ते हैं पहले और इसके बाद मैकेनिक के घर पे चलते हैं और गाड़ी में क्या दिक्कत है वो पहले ठीक कर लेते हैं। तो चलिए पहले मैं गाड़ी में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है फ्यूज़, ये फ्यूज़ उड़ जाता है, हमेशा उड़ जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है वो उड़ जाता है और ये यहाँ की है। तो कल शाम को मैं जब सिलचर था तब ये फ्यूज़ उड़ गया। तो यहाँ पे भी है फ्यूज बॉक्स, तो यहाँ की भी फ्यूज सब ख़राब हो गया, मतलब दो चार ख़राब हो गया। और ब्रेक की भी प्रॉब्लम है भाई, ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, ये लास्ट में ब्रेक जा रहा है, तो इसको भी देख। तो दोस्तों आप देख सकते हो तो ये मेरे हाथ में एक पोल है जो हम हमारे गाछ पे उगते हैं, ये इसका पेड़ है, ये पत्ता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने गाड़ी लेके आया था कारण की काम करवाने के लिए, लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए गाड़ी उड़ गया है ऊपर। और गाड़ी की जो सर्विसिंग होता है, मतलब मोबिल चेंज, ऑयल चेंज, मतलब जो भी होता है इंजन का काम, तो वो भी स्टार्ट हो गया। भाई ने बोला तो मैंने कर दिया अभी स्टार्ट। तो ये चक्का खुलेगा, इसकी ब्रेक की जो प्रॉब्लम है वो पहले दिखा जाएगा, इसके बाद इंजन पर जाना है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और क्या क्या खर्चा आता है मैं वो भी आपको बताते रहूँगा। ये भाई डीजल ऑटो की ब्रेक सिस्टम है, आप देख सकते हो जब आप ब्रेक में पैर रखते हैं तो ये बाहर निकलता है और ड्रम में चिपक जाता है, आप देख सकते हो, और इसके बाद गाड़ी को कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह इसका शेप रहता है, दोनों साइड में दो रहता है और बीच में एक एग्जस्टर रहता है और एक सिलेंडर रहता है और दो तीन स्प्रिंग रहता है, वही शेप और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो इस मोबाइल के कलर क्या हो गया भाई, पूरा ब्लैक हो गया, मतलब यह मोबाइल पूरा ख़राब हो गया। तो दोस्तों अभी कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ मुनिका की शॉप पे। 5 गियर, तो ये मोबाइल मिला है 2 लीटर। और क्या है भाई तुम बताओ ना। तो ये कुछ सामान है जो जाएगा अभी, देख सकते हो ये है ब्रेक ऑयल, ये क्या ब्रेक क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, MC की क्या बोल, ये है मोबिल फिल्टर, ये है डीजल फिल्टर और ये है मोबिल। तो ये सब सामान जाएगा मेरे गाड़ी में अभी लगने। तो चलिए ये सब डालते हैं, इसके बाद इसका बिलिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इंजन ऑयल अभी डलना स्टार्ट हो गया और ये 2 लीटर की पैकेज और यह अभी जाएगा यहाँ पे 700। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है डीजल फिल्टर और ये ख़राब हो गया, आप देख सकते हो जितने भी ऑयल में जब कचरा होता है ये सब इसमें अटक जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अटक गया और इसमें फिल्टर होता है। तो ये अभी नया लगेगा, ये मैंने लिया आप देख सकते हो, तो अभी ये लगेगा इसमें। तो नया डीजल फिल्टर कुछ इस तरह रहता है भाई। आया था मैं एक काम करवाने के लिए, इसका फ्यूज चेक करवाने के लिए, लेकिन आके पूरा गाड़ी का सर्विसिंग ही चला गया भाई, और बहुत ही खर्चा आने वाला है, बहुत मोटा खर्चा आएगा। तो वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, जब मैं उन लोगों से हिसाब मांगूंगा तब पता चल जाएगा। तो मैं आपको भी बताने बता दूंगा कितना आता है एक डीजल ऑटो की सर्विसिंग में, पैसा कितना लगता है। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा। और ये है भाई यार फिल्टर, गाड़ी चलने के लिए हवा और तेल और मोबिल की ज़रूरत आता है और इसके बाद आग की ज़रूरत होता है। तो ये हवा फिल्टर करता है गाड़ी, ये इंजन में हवा फिल्टर करके छोड़ता है, ये भी लगता है ऑटो में, और बड़े बड़े गाड़ी में तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन छोटा गाड़ी है तो इसलिए छोटा है। इस तरह फिटिंग होता है भाई, देख सकते हो इसको यह अंदर घुसा देता है और काम ख़त्म। अभी देख सकते हो गाइस ये है बॉकेट ब्रेक की, जो यहाँ नीचे लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लगेगा ये बॉकेट, और ये छोटा सा रबर का टुकड़ा आप देख सकते हो इसमें से निकाला, और इसका प्राइस देखो 142। और यह है ब्रेक ऑयल जिसका प्राइस लगभग 198 रुपीज़ है, कहाँ पे गया रे। तो दोस्तों अभी काम हो गया है, लगभग 50% काम हो गया,
तो इसके बाद गाड़ी स्टार्ट देंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बाद मैं चलूँगा घर पे। और गाइस इतना गर्म हो रहा है ना, पसीने से लाल हो गया, मैं टोपी भी ले लिया क्योंकि धूप ज़्यादा। ये देखिए भैया, इसने यहाँ के सब सामान लेके चला गया, मैं यह बाहर चला गया और ये सब लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया वो देखते हैं। तो दोस्तों इस गैरेज की नाम आप देख सकते हो, नूर ऑटोमोबाइल यहाँ पे, और ये नथुन बाजार नशीनपुर में पड़ता है, जो होली लाइट स्कूल आया है ना, जो नया इसकी साइड में पड़ता है। तो दोस्तों फ्यूज जाने के कारण मुझे पता चल गया, आप देख सकते हो ये है एक रिले है जो हमारे हेडलाइट में आता है, और ये 5 पिन रिले है। उसका प्राइस क्या आएगा या मुझे नहीं मालूम, और इसकी वजह से ये सब फ्यूज गया है आप देख सकते हो, और ये अभी लगेगा। और ये रिले देख सकते हो यहाँ पे गाइस फिटिंग हो गया और हमारा काम ख़त्म, और फ्यूज भी लग जाएगा अभी, कहाँ पे लगेगा वो भी आप देख। और दोस्तों ये है मेन फ्यूज लाइन, ये देख सकते हो ये है बैटरी, और बैटरी के पास ये फ्यूज आता है, तो अगर यहाँ पे शॉर्ट होगा रिले पे तो यहाँ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों फ्यूज चला गया था, अभी लग गया फ्यूज। तो अभी दोस्तों गाड़ी का काम खत्म हो गया, तो अभी चाबी से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये गए चाबी अंदर और मोटर ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लाइट अभी आया, तो अभी मेरा सब मीटर काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, हीट मीटर भी काम कर रहा है, बैटरी लाइन भी आया है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे जो बॉकेट ये भी चेंज हो गया, ये भी नया लग गया, तो आप देख सकते हो। तो अभी ब्रेक भी हुआ है, अभी देख सकते हो ब्रेक बहुत अच्छा लगा, एक बार चला के देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आज की बिल ये हुआ है, ये सिर्फ सामान का बिल आप देख सकते हो 1210, और ये मैंने पैसा दे दिया भाई को। तो अगर आप लोगों को भी ये सामान चाहिए तो आप देख सकते हो, ये है मनोज भाई, ये हमारे नथुन बाजार की जियो ऑफिस के पास पड़ता है, आप भी आ सकते हो। डीजल ऑटो पेट्रोल ऑटो मतलब सब थ्री व्हीलर की सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे। दोस्तों अभी काम करने की बात, काम तो ख़त्म हो गया, तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ नहाने के लिए और खाने के लिए, और गाड़ी की अभी पूरा मतलब जो कंडीशन है वो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि अभी गाड़ी की जो साउंड है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और अभी जो रेस है वो हमारा मेरा पूरा कंप्लीट आ गया। इसके बाद जो व्यूज की प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, और मेरा मोटा मोटा खर्चा आया लगभग 1600 से 1700 के अंदर आ गया। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी की काम ख़त्म हो गया, तो अभी मैं घर में हूँ, और यहाँ पे देखा गाइस फुटबॉल चल रहा है, तो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो चलिए आप लोग भी चलते हैं देखते फुटबॉल। तो आज फुटबॉल होगा भाई। तो दोस्तों फुटबॉल खेलने गया था और पोपोट हो गया, मेरा हालत देखो अभी, और मैं गया दो शॉट मारा और बॉल की हवा चला गया, मतलब बॉल पूरा ब्लैडर निकल गया। इसके लिए बस इतना ही था, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। हमारा छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के भाई सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा दूर हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए तो हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जो भी करना है कर देना, और मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग्स।